अगर अभी तक आपने सोलापुर नामा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी सब्सक्राइब करें। नमस्कार, मैं हूं जावेद देशमुख। आप देख रहे हैं सोलापुर नामा। हर घंटे पर, हर खबर पर सोलापुर नामा की कड़ी नजर। आज हम अपने दर्शकों को सोलापुर की राजनीति का वो चेहरा दिखा रहे हैं जो आगामी दिनों में सोलापुर की जनता को दिखाई देने वाला है। सबसे पहले सोलापुर शहर में MIM के तात्कालीन अध्यक्ष यानी तौफीक पहलवान, जिस तरह से MIM में अपनी ताकत उभार कर MIM को छोड़ने का मंसूबा बनाया, उसके बाद कांग्रेस को त्याग कर महेश कोटे ने जिस तरह से शिवसेना का दामन थाम लिया, जिस तरह से शिवसेना में उनको आला नेताओं ने जिस तरह से उनसे बर्तावा किया, उससे नाराज होकर उन्होंने शिवसेना को जय महाराष्ट्र किया। अब वो राष्ट्रवादी कांग्रेस में जा चुके हैं। राष्ट्रवादी के सुप्रीमो शरद पवार ने महेश कोटे को प्राथमिकता दी और उन्होंने कहा कि हम तुम्हें सम्मान देंगे और सम्मानजनक तुम्हारी पार्टी में और संगठन को बढ़ाने के लिए तुम्हें हमारा पूरा तरीके से सहयोग रहेगा। महेश कोटे 4 दशक तक कांग्रेस में रहे, लेकिन कांग्रेस में सुशील कुमार शिंदे ने उनसे अन्याय करने पर उन्होंने पार्टी को त्याग कर शिवसेना का दामन थाम लिया। शिवसेना में उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, संगठनों को बढ़ाई और 21 नगम परिषद यानी नगर सेवक चुनाव में जीत के लाए, मगर पार्टी के नेताओं ने उनके इस काम पर संतोष तो जताया लेकिन दिखावे की तरह और उनके साथ एक छल कपट के तहत उन्हें राजनीतिक धराशा पे धराशा कर दिया। उन्होंने 2019 में विधानसभा की टिकट की मांग की तो उन्हें टिकट न देते हुए उन्होंने उनके प्रतिद्वंदी को टिकट दिया गया। इसे विद्रोह कर वो निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पे पर्चा भरा और शिवसेना की जमानत जब्त करा दी। इस तरह से सोलापुर शहर में सत्ता के गलियारों में एक राजनीतिक उथल पतल स्पष्ट तौर पर दिखाई दे रही है। अगले एक साल के अंदर सोलापुर महापालिका में चुनाव होने हैं। कैसे होगी सोलापुर महापालिका की तस्वीर, कैसे होगा कांग्रेस का जनाधार, कैसे होगी राष्ट्रवादी की ताकत और क्या होगा MIM का? असुद्दीन ओवैसी क्या अपने 10 निगम परिषद चुनाव में जीत के लाएंगे? फारूक शाब्दी कितना सक्षम और कितनी ताकत झोंकेंगे महापालिका चुनाव में? ये तो तस्वीर आपको आगामी दिनों में दिखाई देगी, मगर सबसे बड़ी बात यह है कि कांग्रेस का क्या होगा। कांग्रेस के पास न कोई वजूद है, कोई नेता है, न संगठन स्तर पर कोई काम करने वाला है। जब तौफीक पहलवान और महेश कोटे मिलकर राष्ट्रवादी संगठन को उभारेंगे तो कैसी होगी सोलापुर शहर की तस्वीर, क्या होगा सेना का, क्या होगा कांग्रेस का, क्या होगा MIM का, ये तो दिखाई देगा आगामी दिनों के बाद। मगर राष्ट्रवादी जिस तरह से समूचे जिलों में अपना संगठन बढ़ाने का प्रयास कर रही है, इससे स्पष्ट तौर पर दिखाई देता है कि सोलापुर में महापालिका में राष्ट्रवादी सत्य की प्रबल दावेदार होगी और उनके 40 से 45 नगर सेवक चुन के आएंगे, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। भाजपा ने पिछले 5 साल में महापालिका की सत्ता की बागडोर संभाल रखी है, मगर विकास का नामो निशान कहीं पे दिखाई नहीं दे रहा है। अब तक के नगर सेवकों को जिस तरह से वार्ड विकास निधि का आवंटन किया गया, उसे उनका सौतेला दोहरा मापदंड दिखाई दिया। जिला नियोजन समिति में भी विरोधी दलों के पार्टियों के नगर सेवकों को पर्याप्त मात्रा में निधि न मिलने से उनके प्रभागों में विकास नहीं हुआ। इसी तर्ज पर महेश कोटे ने एक बहुत महत्वपूर्ण चाल चली और भाजपा को मात देने के लिए एक रणनीति बनाई कि आगामी 1 साल के अंदर जितने भी निगम पार्षद राष्ट्रवादी के रास्ते पे हैं और जाने वाले हैं, उनके सभी क्षेत्रों में विकास का काम होगा। उन्होंने एक अपनी रणनीति और कूटनीति की तहत राज्य के उप मुख्यमंत्री को इस बात से अवगत कराया है कि किस तरह से सोलापुर शहर की जनता की
नष्ट और जनता की जो मांग है, जो जनता जिन आशाओं पर चुनाव जीत कर दिए है, तो उन नगरसेवकों को फिर से पार्टी में बहाल करने के लिए, चुनाव में जीतने के लिए उन्होंने एक रणनीति का एक ग्राफ बनाया हुआ है, वो अपने सोलापुर शहर के नागरिकों को दिखाई दिया। देखिए सोलापुरनामा की एक राजनीतिक उथल पुथल की एक रिपोर्ट।